हेलो स्टूडेंट्स, अगर आपको इस चैप्टर की और ज्यादा प्रैक्टिस करनी है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप उनको चेक कर सकते हो और बहुत अच्छे से आप इस चैप्टर की प्रैक्टिस कर सकते हो। ये दोनों पैरेलल हैं तो इसका मतलब एक वर्टिकली अपोजिट और अल्टरनेट इंटीरियर से क्या ये दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। अब थोड़ा हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं वर्टिकली अपोजिट अल्टरनेट इंटीरियर, तो अब मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, अब आप समझदार हो गए। ट्राइंगल डीओसी हमारा सिमिलर हो जाएगा, डीओसी सिमिलर हो जाएगा बीओए के, बीओए के ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे, यस और नो? तो डीओ के करस्पॉन्डिंग क्या लिखोगे? ओबी। डीओ के करस्पॉन्डिंग ओबी लिख दो और ओसी के करस्पॉन्डिंग ओए लिख दो और इन साइड को लिख दो जरा। डीओ हमारा एक्स माइनस टू, ये हमारा एक्स माइनस वन, ओसी हमारा एक्स प्लस थ्री, ये हमारा एक्स प्लस फाइव। जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करके बता दो एक्स की वैल्यू कितनी है, ठीक है? जरा फटाफट बता दो एक्स की वैल्यू कितनी है, ठीक है? फटाफट बता दो एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, यहां से करो क्रॉस मल्टीप्लाई। पांच क्वेश्चन और बचे हैं, ज्यादा नहीं है बेटा, ठीक है? फाइव क्वेश्चन हैं और हो जाएंगे, ठीक है? तो यहां पे आ जाएगा एक्स माइनस टू मल्टीप्लाई में कितना, एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू एक्स माइनस वन मल्टीप्लाई में एक्स प्लस थ्री। करो मल्टीप्लाई तो एक्स स्क्वायर प्लस का फाइव एक्स माइनस का टू एक्स माइनस टेन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का थ्री एक्स माइनस का एक्स माइनस का थ्री। ये कट गया, थ्री एक्स माइनस का टेन इज इक्वल टू टू एक्स माइनस का थ्री। तो एक्स सॉल्व कर लो, सेवन आ रहा होगा, आ गया सेवन। अगर आपको डाउट क्लियर हो गया तो आप लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दिखा सकते हैं।